आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमिकाएं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, हम लोगों ने त्रिभुज लिया जिसमें आपका क्यू ओ पी जो है एक त्रिभुज है। देखिएगा क्यू और ओ के बीच जो होता है ये लंब है, ओ से पी के बीच ये आधार आपका, और ये पी से क्यू के बीच ये कर्ण कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा में रिलेशन ये होता क्या है, ये देखेंगे साइन कॉस टैन ये होता क्या है। देखिएगा साइन थीटा ये देखिएगा लंब बटे कर्ण, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कॉस थीटा उसी प्रकार देखिएगा ये कॉस थीटा, इसको हम कैसे लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। ये है आपका टैन थीटा, ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो एक इजी सा मेथड है लाल कक्का। इसका मतलब क्या हुआ, लाल कक्का का मतलब आपको ये याद रखने के लिए मैं बता दूँ, लाल मतलब ये साइन की वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा मतलब ये है ना लाल, ये हो जाएगा ला से लंब। ठीक है, और ये आपका कर्ण। अभी ये देखिएगा आ की मात्रा है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका आधार मतलब कॉस की वैल्यू देखेंगे, आधार, और ये का ये हो जाएगा आपका कर्ण। ये हो गया कॉस कॉस की वैल्यू, और ये ला जो है आपका ये हो जाएगा ये लंब, ये टैन की वैल्यू है लंब, और ये आ की मात्रा ये आधार। मतलब ये इजी सा मेथड है लाल कक्का, आप लोग इसको याद रखिएगा, लंब बटे कर्ण ये हो जाएगा आपका साइन का वैल्यू, और ये आ की मात्रा मतलब आधार है ना, ये आधार बटे कर्ण मतलब ये आपका कॉस का वैल्यू है, और ये ला और ये आग की मात्रा है ना, ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार मतलब टैन की वैल्यू है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। इसी प्रकार हम देखते हैं, अगर हम साइन को उल्टा लिख दें है ना, उल्टा मीन्स वन अपॉन साइन कर दें साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक, पलट देने पर ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा वन अपॉन कॉस थीटा, ये इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और वन अपॉन टैन थीटा इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो जनरली ये आप लोगों को याद रखना है और कुछ नहीं, और इसमें कुछ वैल्यूज होते हैं जो आपको याद रखना है, तो आप बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ए बी सी। एक हम लोगों ने त्रिभुज ले लिया जिसमें आपका लंब जो है ए है, और आपका आधार जो है बी है, और कर्ण जो है सी है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है आपका, ये लंब स्क्वायर प्लस ये आधार के स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है आपका कर्ण के स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर लंब है आपका ए, तो इसलिए लिख दिया हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस आधार आपका है बी, इसलिए लिख दिया बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर में सी आपका कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इधर साइन कॉस टेन लेकर के चलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन सी, ए अपॉन सी आपका ये हुआ लंब बटे कर्ण। ठीक, और ये हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा ये आप कैसे निकालेंगे, टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार। ठीक, अब इसमें देखते हैं हम साइन थीटा और कॉस थीटा में, ठीक ये संबंध देखते हैं, तो इसमें दोनों पक्षों में वर्ग कर देने पर है ना, देखिएगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये देखेंगे एफ ऑन सी होल स्क्वायर प्लस बी एफ ऑन सी होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्ग कर, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओके। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हम लोगों ने ले लिया, ये एलसीएम आपका सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। फिर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उसके बाद में फिर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें हम देखते हैं समीकरण एक से देखते हैं, समीकरण एक कौन सा है, इधर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको हम लोगों ने लिया था समीकरण एक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम सी स्क्वायर पुट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर, इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया, ये देखिए सी स्क्वायर अपॉन ये हो गया आपका सी स्क्वायर, तो ये कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, ठीक। ये आपका वैल्यू आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये देखिए। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है, आगे क्योंकि क्वेश्चन इसी से ही बनेंगे ऐसे ही, इसको आपको याद रखना है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और कैसे लिख सकते हैं इसको, इसकी वैल्यू देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होता है वन, तो इसमें हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से अपन भाग देना, ठीक है, इज इक्वल टू वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी ये कट जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा फॉर्म साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा वन, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, प्लस ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैसे हुआ, कोसेक जैसे कि आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था वन अपॉन साइन थीटा होने से कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ पर है वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार एक और देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, उसी प्रकार देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा वन, ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका वन इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैसे हुआ सेक स्क्वायर थीटा, पिछले क्लास में फिर जैसे मैंने आपको बताया था वन अपॉन कॉस थीटा होता है आपका सेक सेक थीटा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा।